से बताएंगे आज इस मुद्दे को लेकर हमारे पास आए हैं। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कि वक्तन वक्तन आप पहुँच ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जो है एलजी इंतजामिया तक पहुँचती है और आज खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की भी सरकार बनी है, आज ये आवाज़ हमारे जो है नए सीएम साहब तक पहुँचेगी। आप देखिए जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं ये इसका नाम है बेतार नाला और बेतार नाला ब्रिज के ऊपर हम जो है अभी आपके चैनल के माध्यम से जो मन की बात कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो ब्रिज है कितना महत्वपूर्ण ब्रिज है और इसके उस तरफ जो पॉपुलेशन है तकरीबन 15 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन है और ये खासतौर से डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है। और आप देखिए कि यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर की भी जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है हालात वो ख़राब हो रहे हैं। आप देखिए 3 दिन पहले यहाँ कश्मीर वैली के बीच जो है 7 निहत्तर लोगों की जो हत्या की गई है, मैं उन 73 लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। वो सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ क्योंकि गरीब परिवार में सुख शांति रहे, उन आत्माओं को जो है भगवान जो है अपने चरणों में वास दे और हमारे जम्मू कश्मीर की भी जो देश की शांति बनी रहे। आज हम उस लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये ब्रिज का आप देखिए अभी तकरीबन 1 साल पहले जो है यहाँ पर जो डीसी साहब थे पहले हमारे यासीन चौधरी साहब जी, उन्होंने यहाँ पर इसको जो मेंटेन कराया था। उसके बाद देखिए जितना भी इसका फुटपाथ है टोटली जो है ब्रोकन हो गया है, डैमेज हो गया, उसका यही कारण है कि ब्रिज के ऊपर जो है ना दिन के समय ना रात के समय कोई यहाँ पर सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त किया गया था वो है नहीं है। उस हिसाब से यहाँ पर जो ट्रैफिक है और जो ट्रैक्टर वाले हैं जो दूसरी गाड़ियों वाले हैं वो इस ये सिंगल वे पुल है वो आपस में घुसते हैं, आप देखिए कि फिर जाम लग जाता है। और ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं कि लोड गाड़ी को जो है इसके फुटपाथ के ऊपर चढ़ाते हैं जिससे हमारा फुटपाथ टोटल जो ब्रोकन हो गया है। और सुबह शाम हमारे बुजुर्ग बच्चे जो हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज आपसे बात कर रहे हैं यही मकसद है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमारे टैक्स का कटा हुआ पैसा जो है सरकार हमारे पास यूटिलाइज करती है और हमें इसको अपने घर की तरह संभाल के रखना चाहिए। वो संभालना दूर की बात है, यहाँ पर तो इस ब्रिज के ऊपर जो है दिन को भी अंधेरी नगरी चौपटाचा बना रहता है, रात की बात ही छोड़ दी। आप देखिए कि सिक्योरिटी की हालात से देखा जाए बिल्कुल बॉर्डर टोन एरिया है और यहाँ 2 मील से लेके ऊपर जो है माल्टी का ब्रिज है तकरीबन जो है 2.5 से 3 किलोमीटर की लेंथ भी है और डेप्थ भी है और ये गैप रात के समय खाली रहता है। आप समझते हैं कि यहाँ पर 4 साल 5 साल पहले हमारे सेक्टेट में जो हादसा हुआ उस हादसे के बाद जो है आज रात के समय भी यहाँ पर जो है अगर कोई VIP मूवमेंट हो या कोई फंक्शन हो या यात्रा हो या इलेक्शन की मूवमेंट हो तब यहाँ पर जो है गार्ड रहती है। उसके बाद अभी इलेक्शन खत्म हो गया है ये रात को ब्रिज जो है टोटली ओपन रहता है, यहाँ पर कोई भी जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहती। मेरी SSP साहब बहुत ही ईमानदार और होनेस्ट ऑफिसर हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है और DC जहाँ भी नए आए हैं अपने विकास कुंडल जी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी सिक्योरिटी पॉइंट के ऊपर जो है फर्स्ट जो है इन पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जो है अगर हम जितने भी स्टेप्स करेंगे वो हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए जो है वो उसकी बेहतरी होगी। आप देखिए अभी यहाँ पर जाम लग गया है, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी वो उसमें चूक है, उसमें हम सब शामिल हैं। और हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से जो है LG इंतजामिया तक और DC पुंछ तक ये बात पहुँचाई है लेकिन इस पर है इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्द इस पर इम्प्लीमेंट हो, लोगों को सुविधा मिले, लोग परेशान ना हो और कोई ऐसा दर्दनाक हादसा यहाँ पर ना हो। जोगल जी एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, क्या वजह है कि जहाँ पे जो है लगातार इलीगल माइनिंग माफिया जो है वो अपने काम को सर अंजाम दे रहा है और आगे बरसात का मौसम भी आने वाला है और आप यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर बेखौफ जो है माइनिंग माफिया जो है वो सर अंजाम दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आप देखिए कि हमारे पीछे जो गाड़ी है वो भी इस फुटपाथ के ऊपर चढ़ी हुई है। आप समझ सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन किया कि इलीगल माइनिंग और जो माफिया है वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि यहाँ का पैसा उठाकर वो अगर वो गवर्नमेंट के किसी अफसर को दे रहे हैं वो सरेआम करप्शन हो रही है। और मैं समझता हूँ कि करप्शन कैसे बंद होगी जब हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आप देखिए मेरे दाएं साइड भी यहाँ पर जो है ट्रैक्टर एग्रीकल्चर लैंड के लिए बनाया गया था और ट्रैक्टर इलीगल माइनिंग कर रहा है यहाँ पर। मेरे राइट भी नीचे देखिए यहाँ पर लोगों का एग्रीकल्चर लैंड है, करोड़ों रुपये की लोगों की जमीन है और आज से 6 महीने पहले हमने एक्सजीन पुंछ के पास जाकर फ्लड कंट्रोल के पास यहाँ पर सपोर्ट वाल डलवाई थी हमने, उसके पास से जो है ये अपने माइनिंग कर रहे हैं। तो ये तुम्हें बहुत बिल्कुल दिन के समय ओपन जो है करप्शन हो रही है। इसके ऊपर मैं नई जो गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर के बीच में CM साहब को पुंछ के सपोर्ट एरिया से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद की भी हम रोड पर भी आ सकते हैं कि सबसे पहले इस सरकार को जो है करप्शन खत्म करनी चाहिए क्योंकि फुल मेजोरिटी में आए करप्शन मुक्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर की भलाई होगी, जम्मू कश्मीर दिन ब दिन जो है बैकवर्ड पर जाएगा। जो जी एक बात और जाननी थी आपसे इससे